Hey there, my name is Krishna and you are watching Internet Billionaire. फ्रेंड्स, आप लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी पुट कर रहे हो कि ये कैसे होता है, लिंक कैसे करें अकाउंट को, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसी सेक्शन के रिगार्डिंग मैंने कुछ कमेंट्स लिए हैं और मैं देखता हूँ क्या क्या हैं ये कमेंट्स। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने लिखा है, प्लीज़ टेल मी पैसे अकाउंट में कैसे आएगा, तो कैसे पता चलेगा और कितना आएगा, वो कैसे पता चलेगा, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, एवरीथिंग इज़ हेयर ओनली, ये इनके चैनल का नाम है। तो देखिए, जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपको एक मेल आता है गूगल एडसेंस की तरफ से आपके जीमेल अकाउंट में, और उसमें सारा लिखा होता है कि इतने पैसे आ गए हैं और इतने, मतलब ये नहीं लिखा होता कि कितने दिन में पहुंच जाएगा, बट ये लिखा होता है। अब अगर अपडेट आ गई हो तो मैं कह नहीं सकता कुछ। उसमें ये होता है कि 4 से 5 दिन लगते हैं मैक्सिमम आपके बैंक अकाउंट में वायर ट्रांसफ़र के थ्रू पहुँच जाते हैं। तो जब भी आपके एडसेंस अकाउंट में पैसे आएंगे तो डोंट वरी, आपको एक ईमेल आ जाएगा। अपना ईमेल हमेशा चेक करते रहें, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है। उसमें सारी डिटेल होती है कि कितने पैसे हैं और आपको कितने, मतलब आ चुके हैं वगैरह वगैरह, सारी डिटेल आपको मेल में मिल जाती है जो कि गूगल एडसेंस की तरफ से आपको मिलती है। दूसरी जो ईमेल है, सर प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो भाई, व्हाट्सएप नंबर देकर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो पूछना है आप यहीं पर पूछ लीजिए, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, अब देखते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि कैसे पता, कैसे, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि पैसे आते कैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में। वो वायर ट्रांसफ़र के थ्रू आते हैं। जब गूगल एडसेंस से ट्रांसफ़र होते हैं तो वायर ट्रांसफ़र आ जाते हैं। आपको स्विफ्ट कोड देना होता है आपके, जब अपने बैंक अपडेट करते हैं तो उसमें आपसे मांगेगा अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, कंट्री कोड वगैरह वगैरह, कुछ 3-4 फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मे बी वो पहले तो आपका कोड होता है, मतलब बैंक का नाम, फिर बैंक आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, ब्रांच कोड, ये सब चीज़ें आप दे देंगे। उसके बाद फिर आपका जो अकाउंट है वो लिंक हो जाता है और फिर उसके बाद आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाती है। बहुत इजी है, बिल्कुल मक्खन है। एक बार काम करो, धीरे धीरे करोगे तभी तो समझ में आएगा, बिना करे तो किसी को आता ही नहीं है। तो आपको अकाउंट में पैसे आएंगे तो ईमेल ऑलरेडी आपको मिल जाएगा और जितने भी पैसे आएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये वो सिलेक्टेड कमेंट्स थे जो हमने सेलेक्ट किए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके, मैं चाहता हूँ आप YouTube पर सक्सीड करें और अच्छी अच्छी अर्निंग करें। और जैसे ही मेरे यहाँ पे कम से कम 5,000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होंगे, मैं आपके सामने लाइव आऊँगा। मतलब मैं अपनी वीडियोस, आप मुझे देख सकते हैं टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी मेरे 5,000 जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट कराइए, ताकि मैं फिर आपके सामने आपसे इंटरेक्ट करूं और आपसे लाइव सेशन में आपके कमेंट्स का जवाब दूं। मुझे पता है आप ज़रूर मेरे से लाइव जुड़ना चाहते होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिनको हम शायद नहीं कर पाते, मतलब जिनका रिप्लाई नहीं दे पाते। तो उनके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। बाकी मैं देता भी हूँ, आप देख सकते हैं जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे, मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि आप सभी को आंसर मिले। बाकी अगर कोई रह जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी आप कमेंट करते रहिए और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आप, ये क्या कहते हैं, आपको आंसर्स मिले और आप अपने यूट्यूब के करियर में सक्सीड हो जाएं। देखो, यूट्यूब में कामयाब होने के लिए एक टिप और मैं दे देता हूँ कि यूट्यूब को एज ए हॉबी ले लो। अगर तुमने एज ए हॉबी ले लिया तो कामयाब हो जाओगे। सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूट्यूब यूज़ करोगे तो कामयाबी पाना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे मेन बात है यूट्यूब को एज ए हॉबी ले लो कि बस करना है, चाहे पैसे आए या ना आए, यूट्यूब पर काम करना है और अपना बेस बनाना है बस। तुम जब तक हॉबी में नहीं लोगे इस चीज़ को, देखो दो तरीके होते हैं काम करने, या तो जो काम कर रहे हो उसको पसंद करने लग जाओ, या जो पसंद है वो काम करने लग जाओ। तो YouTube पे काम कर रहे तो इसको पसंद कर लो और ये मत सोचो कि मुझे पैसे कमाने, तुम सिर्फ ये सोचो कि मुझे वीडियो बनानी है। और जैसे YouTube इट्स लाइक अपनी दुकान को भर लो, या लोग आएंगे तुम्हारी दुकान में जो तुम्हारे चैनल है, और उसमें जब प्रोडक्ट ही नहीं होंगे, जब तुम्हारी वीडियो नहीं होंगे तो वो क्या देखेंगे। तो इसीलिए अपनी दुकान भरो, वीडियो बनाओ, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहो, जितना हो सके वीडियो बनाओ और YouTube बर्नआउट से बचो, जो तुम्हें एलर्जी होने लगेगी एक टाइम पे कि सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे और वीडियो बना रहा हूँ क्या हो रहा है ये, तो उससे तुम्हें बचना पड़ेगा। इसीलिए इसको हॉबी बना लो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा,
जब तुम्हारी ये हॉबी में बन जाएगी तो उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि क्या करें क्या ना करें, मतलब व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि जब तुम्हारी हॉबी बनेगी तो अपने आप ये अपने आप इंक्रीज़ होने लग जाते हैं व्यूज़। सिर्फ थोड़े टाइम की बात होती है, टाइम में टिकने की बात है। जो इंसान टिक गया यूट्यूब में वो काम कर गया। तो मेन बात यही है कि बस टिके रहो, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। माई स्वीट चाइल्ड, शायद मैंने एक कमेंट मिस कर दिया, देखते हैं। मैंने सुना है कि लोग एक वीडियो से बहुत कमाई कर लेते हैं, तो वो कैसे बताइए। मैं 7 वीडियोस अपलोड करके डाल दिया, लेकिन सिर्फ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ने ही लाइक किया है। टोटल लाइक 256 हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फेसबुक फ्रेंड्स के अलावा और लोग मेरी वीडियोस कैसे देखें, इसके लिए क्या करना होगा। ओके माई स्वीट चाइल्ड, देखिए मैं बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना। आपकी जो फेसबुक फ्रेंड है उनको बिल्कुल वैसे ही बोलते रहिए कि वो लाइक करते रहें आपके हर एक वीडियो को। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपने टैग्स चेंज करने हैं। जो आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो के अंदर टैग होते हैं, टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन, 3 चीज़ें होती हैं। तो आप अपने टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन को चेंज कीजिए, और टैग जो है वो बहुत मस्ट होते हैं, तो उनमें आप जेनेरिक टैग यूज़ कीजिए। जेनेरिक टैग लाइक डेल ईव्स की एक वीडियो, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब एक्सपर्ट हैं। जेनेरिक टैग इज़ लाइक छोटे छोटे टैग जो होते हैं, लाइक फ्री, हाउ टू, मतलब वो चीज़ें जो हर कोई सर्च करता है, जैसे हाउ टू डाउनलोड मूवी, हाउ टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर, तो हाउ टू पहले लगता है। तो उसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप जेनरिक टैग सर्च कर सकते हैं और ये यूज़ कीजिए। और आपके केस में जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ये आपकी वीडियो से लेकर नहीं आ रही, ये आपकी डिस्क्रिप्शन टैग टाइटल में है। तो आपकी ज़रा देखें वीडियो कैसी है। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा था वही प्रॉब्लम आपके यहाँ पे मिली है। ये देखिए हरियाणवी, ये क्या लिखा है, सेल गर्ल, आई डोंट नो, ये जो इन्होंने जो भी लिखा है। सो देखिए इसको पहले आपको जो टाइटल है आपको बढ़िया देना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको बढ़िया टाइटल दीजिए, और ये देखिए डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं दिया, डिस्क्रिप्शन भी मेन होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसके बारे में बताना है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता तो हिंदी में भी बता सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में नहीं कर सकते तो हिंदी में चैनल बनाइए, आपका हिंदी में चैनल भी बहुत चलेगा, ट्रस्ट मी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा, और आपको टैग देने हैं, और आई एम श्योर आपने टैग भी इतने अच्छे नहीं दिए होंगे, लेकिन क्योंकि आपने कमेंट किया तो ये लीजिए मेरी तरफ से एक लाइक आपके नाम। और आप सबने टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन को चेंज कीजिए, और कुछ टाइम वेट कीजिए, फिर आप देखिए आपके चैनल में भूचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, बहुत अच्छे आपको सब्सक्राइबर बेस मिलेगा। तो अपने टाइटल टैग जो हैं उन पे ध्यान दीजिए, माई स्वीट चाइल्ड, और आप देखेंगे कि आपका चैनल बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है, सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे और पैसे भी मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, और मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, ताकि मैं आपके सामने लाइव आ सकूँ और आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकूँ आपको। और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कीजिए, हर वीडियो पर कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके चैनल को अपने अपनी वीडियोज़ में दिखाऊँ, और मतलब आपके चैनल को दिखाऊँ अपनी वीडियोज़ में नॉर्मली, तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर अपने चैनल का लिंक दे सकते हैं, और मैं रेंडमली सिलेक्ट करूंगा। आपको ये नहीं बोलना कि मेरा चैनल नहीं आया, मैं रेंडमली सिलेक्ट करूंगा किसी का भी चैनल। तो पॉसिबिलिटीज़ होना ज़्यादा अच्छा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में आप हमेशा आपका नाम और चैनल का लिंक देते रहिए, ताकि मैं कभी भी आपके चैनल को पिक कर सकूं, और फिर उसके बाद मैं करूंगा अपने चैनल पे आपका जो भी चैनल है उसके बारे में बताऊंगा, और उसकी प्रमोशन हो जाएगी। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो सेक्शन अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दीजिए, और अगर कोई आप अपना सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियोज़ देखते देखते बन जाइए इन एन एबियल इन ईयर।